आइए हम रुख करते हैं साहिबगंज की ओर। साहिबगंज के तालझाड़ी प्रखंड में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आम बागवानी योजना में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का कार्य चल रहा है, जिसे पंचायत कर्मियों की मिलीभगत से बिचौलिया सरेआम भ्रष्टाचार को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा गरीब को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिले के बड़ी अधिकारियों को इसकी जरा सी भी भनक नहीं है। वहीं गरीब लाभार्थियों का कहना है कि बिचौलिया जैसे तैसे पेड़ लाकर लगा देते हैं, जिससे वह 10 से 12 दिन में ही मर जाता है। इसकी सूचना कई बार स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक को भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुध लेने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर BDO साइमन मरांडी ने सबसे पहले जांच कराने की बात कही है और उसमें जो भी पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।